नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर अब ड्रैगन के गले की फांस बन गया है। अरब रुपए लगाने के बाद भी चीन को वह फायदा नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए उसने 60 अरब डॉलर का निवेश किया था। पाकिस्तान में इसे लेकर राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। लोग सड़कों पर आकर सीपैक की न केवल खिलाफत कर रहे हैं बल्कि चीन श्रमिकों को बंधक भी बना रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार में डूबे पाकिस्तानी नेता सड़क निर्माण में जमकर पोबारे कर रहे हैं। इस वजह से निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है जिससे सीपैक में 60 अरब डॉलर का निवेश करने के बाद चीन को पूरी योजना पर पानी फिरता दिख रहा है। ऊपर से भारत ने पीओके को लेकर जिस तरह आक्रामक रुख अख्तियार किया है उसने चीन के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी है। चीन को आभास होने लगा है कि अगर भारत ने पीओके को हासिल कर लिया तो उसकी सीपैक परियोजना भी चौपट हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी सीपैक के खिलाफ मुखर हो रहा है, इसलिए अमेरिका का समर्थन पाकर भारत यहां अपनी कार्रवाई के मंसूबे पाल चुका है। साथ ही पाकिस्तान की राजनीति भी चीन के लिए समस्या बन चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत से लगातार मात खा रहा है। वह पीओके पर अपना दावा मजबूती से पेश नहीं कर सका है जिससे चीन की फिक्र और अधिक बढ़ गई है। पर यह केवल चीन इसी पैक पर नहीं फंसा है बल्कि पाकिस्तान के हालात तो उससे भी कहीं ज्यादा बुरे हैं। सीपैक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान दिसंबर 2019 तक चीन से करीब 21 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज ले चुका था। इनमें से 15 अरब डॉलर का कर्ज चीन की सरकार ने और बाकी 6 अरब 70 करोड़ डॉलर वहां के वित्तीय संस्थानों से लिया गया। अब पाकिस्तान के सामने इस कर्ज को लौटाना बड़ी समस्या बन गया है। पाक के पास महज 3 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। वह इतनी बड़ी धनराशि चीन को वापिस नहीं कर सकता है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा पीओके के मौसम का हाल बताकर जो दांव चला गया उसने इन दोनों देशों के भीतर खलबली मचा दी है। भारत बेहद ही सुदृढ़ नीति के तहत अपने दांव चल रहा है जिसमें केवल पाकिस्तान ही नहीं चीन भी बुरी तरह फंस चुका है। हालांकि बुधवार को पाकिस्तान ने द आमेर बासा बांध के निर्माण की घोषणा करके भारत के दांव को काटने की कोशिश जरूर की है मगर यह बांध कभी नहीं बन पाएगा। इस बांध को बनाने के लिए 90 वर्ग किलोमीटर इलाके को खाली करना होगा जिसमें 40,000 से ज्यादा की आबादी रहती है। ये लोग चीन और पाक फौज के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं जिन्हें समझा पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इस बांध को बनाने की समय सीमा 2028 रखी गई है मगर उससे पहले ही मोदी सरकार इस इलाके का भारत में विलय कर चुकी होगी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भी सीपैक के निर्माण में बड़ी बाधा पहुंची है। कबायली इलाकों में चीनी श्रमिकों पर हुए हमले की वजह से चीन को अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। इसका फायदा उन नेताओं ने उठाया जिन्हें इस परियोजना में ठेके हासिल हुए हैं। पिछले 50 दिनों के भीतर करीब 40 करोड़ रुपए की सामग्री चोरी हो चुकी है। निर्माण में लगी कुछ मशीनों के पुर्जे तक चुरा लिए गए हैं। अब ये मशीनें चीन से स्पेयर पार्ट्स आने पर ही चल पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी ठेकेदारों ने सीपैक के निर्माण में जमकर पैसे बनाए हैं जिससे सीपैक के कुछ हिस्से बनने से पहले ही टूटने शुरू हो चुके हैं। यानी मुल्लाओं ने अपनी मुल्लागिरी का इस्तेमाल चीन पर कर दिया है। बताया जाता है इसी हफ्ते पाक में मौजूद चीनी राजदूत ने बाजवा से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ठेकेदारों से ठेके वापस लेने की बात भी चीन ने कही है। अगर ऐसा कोई कदम चीन पाकिस्तान उठाते हैं तो सीपैक के खिलाफ विरोध के सुअर और तेज हो जाएंगे। पर मामला यहां तक नहीं है। चीन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान का कंगाल होना है। चीन चाहकर भी अब पाकिस्तान की ओर ज्यादा सहायता नहीं कर सकता है। पाकिस्तान दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। खुद चीन को अपना पैसा डूबने का डर सताने लगा है। ऐसे में इमरान खान आईएमएफ जैसी संस्थाओं से सौदेबाजी में जुटे हैं। इन संस्थाओं पर अमेरिका का पूरा प्रभुत्व है जो पाकिस्तान को चीन से प्रभाव से निकालना ही नहीं चाहती है बल्कि सीपैक भी उनकी आंखों में चुभ रहा है। इसलिए चीन पर एक और जोखिम मंडराने लगा है। शायद इन हालातों में उसे सीपैक अपनी सबसे बड़ी भूल नजर आ रहा होगा। हालांकि इस परियोजना को बचाने के लिए उसने हाथ पैर जरूर मारे हैं मगर यह उस डूबते जहाज की तरह है जिसका कैप्टन अंत तक भी यही कहता है कि कुछ नहीं होगा मगर ठीक कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की भारत विरोध की नीतियां चीन को भी धीरे धीरे डुबो रही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।